Styles and templates for class 10. A style is a predefined combination of font style, color and size that can be applied to any text in your document. Style पहले से predefined font और formatting के set होते हैं जिसे हम अपने text या paragraph पर use कर सकते हैं. हम अपना खुद का new style भी बना सकते हैं जो कि combination होंगे different formatting option के. अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे स्टाइल दिए हुए हैं जो कि होम टैब में हैं, उससे हम चेंज करके देखते हैं. पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी टेक्स्ट हमें चेंज करना है या पैराग्राफ हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है. अब हम स्टाइल चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा चेंजेस दिख रहा है. अब हमने लिया सपोज हेडिंग 3, तो यहाँ पर हमारा पैराग्राफ चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू हेडिंग 3. और यहाँ पर चेंज स्टाइल के द्वारा हम डिफरेंट और भी स्टाइल हमें मिलेगा प्रीडिफाइंड जो है वो, उसके द्वारा भी हम चेंज कर रहे हैं. और यहाँ पे देखिए हमने लिया टाइटल स्टाइल लिया, तो ये हमारा चेंजेस हुआ हमारे पैराग्राफ में. अब न्यू स्टाइल हम अपना कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम क्लिक किया सेव सेलेक्शन एज अ न्यू क्विक सेव और इसका नाम हम दे देते हैं सपोज न्यू और मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे हम. सपोज हमने फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो कलर हमने चेंज कर लिया. जो भी चेंजेस हमें करनी है वो हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे. इसका साइज हमने बढ़ा लिया और भी जो भी चेंज करने हैं आप इस विंडो के द्वारा चेंज कर सकते हैं और सेलेक्ट कर लेंगे. ओके, अब ये एक नया स्टाइल बन गया जिसका नाम न्यू है जो हमने अभी बनाया. इस स्टाइल को हम किसी भी पैराग्राफ पे यूज कर सकते हैं. जैसे सपोज हमने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया है और क्लिक किया हमने न्यू पे, तो ये पैराग्राफ अब उस स्टाइल में आ जाएगा जो हमने अभी बनाया था. नेक्स्ट हमारा है टेम्पलेट. टेम्पलेट एक पहले से बनी हुई डिज़ाइन होती है जिसका उपयोग जल्दी से नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कर सकते हैं. टेम्पलेट में अक्सर कस्टम फॉर्मेटिंग और डिज़ाइन शामिल होते हैं, इसलिए नया प्रोजेक्ट बनाने में समय भी कम लगता है. अ टेम्पलेट इज़ अ डॉक्यूमेंट टाइप दैट क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ व्हेन यू ओपन इट. टेम्पलेट भी हमारा दो तरह का होता है, बिल्ट इन टेम्पलेट्स, यह वर्ड में पहले से मौजूद रहते हैं, इन्हें आप सेलेक्ट करके इनका उपयोग कर सकते हैं. और दूसरा होता है आपका कस्टम टेम्पलेट, यह यूज़र के द्वारा बनाया जाता है. यूज़र अपने हिसाब से टेम्पलेट बना सकते हैं और उन्हें एक .docx फाइल के रूप में सुधार भी कर सकते हैं. और अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपना एक न्यू टेम्पलेट बना सकते हैं. प्रीडिफाइंड टेम्पलेट भी हम यूज़ कर सकते हैं और न्यू, तो हम एक नया फाइल खोलते हैं. होम न्यू फाइल हमने खोला और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया और इसमें हम एक नया टेम्पलेट अपना खुद का बनाएंगे. यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे. क्योंकि ये टेम्पलेट हम बना लेंगे और इसे हम सेव कर देंगे तो ये कस्टम टेम्पलेट हो गया जो हमारे द्वारा बनाया गया है. और इससे हम एक डिज़ाइन बन जाएगा और हम इसे इसका उपयोग कर सकते हैं किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए. एक पिक्चर हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं और थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं. अब इसे सेव करना है हमें. सेव एज में गए, इस यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा. हम मान लीजिए हम फाइल सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप में, फाइल का नाम हम दे रहे हैं टेम्पलेट 1. इसे सेव एज टाइप पे हमें ध्यान देना होगा कि सेव एज टाइप हम कैसे करेंगे. इस पे हमने क्लिक किया और इसमें से हम चुनेंगे वर्ड टेम्पलेट और इसे फिर हम सेव कर देंगे. मान लीजिए इस फाइल को हमने क्लोज कर दिया. अब हम एक न्यू फाइल खोलना चाह रहे हैं जो बेस्ड होगा उस टेम्पलेट पे जो हमने बनाया. न्यू पे जाएंगे और यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग और इसमें से हमारा जो टेम्पलेट बना हुआ था
उसे हमने चुन लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, ओपन करेंगे तो ये एक न्यू डॉक्यूमेंट हमारा बना जो कि बेस्ड है हमारे बनाए हुए टेम्पलेट पे। इसे हम सेव भी करेंगे तो योर न्यू नेम से ये डॉक्यूमेंट सेव होगा।